सम्मान्य उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब के पैरा नंबर 9 में लिखा है कि सरकार का प्रयास है उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्थापित मानकों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, साफ सुथरी और जवाबदेह बनाने के लिए वर्तमान प्रक्रिया ज्ञापन को अनुसमर्थित किया जाए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की जाए। 15 साल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के बाद उस पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया में मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र से सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय ने 4 आधार लिखे हैं पैराग्राफ नंबर 4 में, पारदर्शिता, सचिवालय, पात्रता और शिकायत, मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहूँगा कि विगत 70 वर्षों में जो नियुक्ति की प्रक्रिया रही है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एक भी दलित आज तक सर्वोच्च न्यायालय में जज नहीं आया, एक ओबीसी जज आया है, 7 महिला जज नहीं आ पाई है। सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है और इसलिए सरकार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के लिए सरकार बहुत विनम्रता और बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन 70 साल की इस प्रक्रिया में चूंकि सर्वोच्च न्यायालय को हमने 2 अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और 32 के अंतर्गत, अगर कार्यपालिका नागरिकों के हितों पे कोई भी प्रतिकूल कदम उठाती है तो न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर हमारे विधायी कार्य इस संसद में जो पारित किए जाते हैं अगर वो संविधान के खिलाफ हैं तो उसको भी निरस्त करने का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया है। हम इसका सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि देश की न्यायपालिका ने जो मानदंड स्थापित किए वो मानदंड आगे बढ़े, लेकिन उन मानदंडों को पूरा करते समय जो भारत का एक व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व का जो दृष्टिकोण है, भारत की जो एक व्यापक सामाजिक परंपरा है, आखिर इस देश में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एक बड़ा वनवासी इलाका है, जनजाति समाज है, अपनी परंपराएं हैं, हमें उन सारे सामाजिक मूल्य, मान्यता और परंपराओं को अपने भारतीय न्याय के दृष्टिकोण में आगे बढ़ाना होगा, हमें न्याय की को उस परिकल्पना के द्वारा लेके जाना होगा जो हमने अपने सदियों से कभी भारत की अपनी परंपरा रही है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा और मैं माननीय मंत्री जी के प्रति पूरा विश्वास रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उच्चतम न्यायालय ने 4 श्रेणियों में सुझाव आमंत्रित किए हैं, पारदर्शिता, सचिवालय, पात्रता और शिकायत, इस पे बहुत व्यापक सहमति बननी चाहिए। जब अमेरिका में भी जब जज नियुक्त होते हैं तो उसके बारे में चर्चा सदन में होती है, कम से कम एक बार नियुक्त होने के बाद वो सारे विषय सामने आने चाहिए। और ये जो न्यायिक नियुक्तियों में जो एक अभी रिक्तता है, इसके लिए सरकार जिस तेजी से काम करती है, हमें लगता है सरकार अपने लक्ष्यों को हासिल करेगी, लेकिन ये लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी सामाजिक वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।